आज हम क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाएं और ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। एक बाउल में 4 चम्मच टूटी फ्रूटी, 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम, 2 चम्मच ब्लैक किशमिश, 2 चम्मच ग्रीन किशमिश और 2 चम्मच चॉक डेट्स। 1 कप ऑरेंज जूस में मिलाकर हम इसे 1 घंटे के लिए सोक करेंगे। अब एक पैन में 1 बड़ी चम्मच चीनी और 1 चम्मच पानी लेकर हम इसे धीमी आंच पर चलाएंगे। इसे लगातार चलाते रहना है। अब कैरेमल तैयार है। इसमें 1/2 कप पानी मिलाएंगे। कैरेमल सिरप प्लम केक में कलर के लिए यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं। गैस ऑफ करके इसे रख देंगे। 1 बाउल में 1/2 कप दूध और 1 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। एक चौथाई कप तेल, 1/2 कप चीनी डालकर हम इसे मिलाएंगे। अब छलनी से 1 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/2 चम्मच जायफल पाउडर को छान लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस और जो कैरेमल सिरप हमने पहले बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। अब बैटर बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। केक टिन को ग्रीसिंग करके बटर पेपर लगाएंगे और बैटर को केक टिन में पोर करेंगे। केक टिन को हम 2 बार टैप करेंगे और फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। पैन को प्रीहीट करने के लिए पहले ही रख दिया था और अब हम इसमें केक टिन रखकर इसे 40 से 45 मिनट के लिए धीमी आंच पर बेक करेंगे। प्लम केक को निकाल लेते हैं और प्लम केक बिल्कुल रेडी है। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर हम फिर सर्व करेंगे।
बहुत ही डिलीशियस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी प्लम केक बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।